हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब, वो भी पहली भाषा। और आज हम उसमें कवर करेंगे उसका 11वां पाठ, जो कि है कराती दहाड़। आज हम इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है या जो अभ्यास है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला अभ्यास का जो प्रश्न है उसमें दिया गया है कि आपने शब्द अर्थ जो है वो पढ़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द अर्थ से। सबसे पहला यहाँ पे जो शब्द दिया गया है वो है वन मानुष, उसका मतलब होता है एक तरह का बंदर। वैसे ही अगला शब्द है पिंजरानुमा। पिंजरानुमा का मतलब होता है पिंजरे के आकार का, ठीक है। अगला है प्रजाति। प्रजाति का मतलब होता है पशु पक्षियों आदि का वह समूह जिसमें सभी सदस्यों के नाक कान कपाल केश आदि के आकार प्रकार रूप रंग आदि में समानता हो। आश्रय स्थल होता है शरण या ठिकाने का स्थान। आदमखोर होता है नर मांस भक्षी। सुरक्षा कर्मी होता है सुरक्षा करने वाले कर्मचारी। खूंखार होते हैं जालिम खूनी या आप कह सकते हैं डरावना। आगे है मुहावरों के अर्थ दे दिए गए हैं, अर्थ समझते हुए हमें उनके वाक्य बनाने। जैसे पहला जो शब्द है जखम कुरेदना, उसका मतलब होता है बीते हुए कष्ट की याद दिलाना। इसका वाक है तुम पुरानी बातों को छेड़कर हमारे जखम मत कुरेदो। आगे दूसरा है नामो निशान मिटाना, मतलब कुछ भी निशान शेष न रहना। कुछ वन्य जीवों का तो नामो निशान तक मिट गया है। तीसरा चल बसना, मतलब मर जाना। लंबी बीमारी के पश्चात कल रामू के पिताजी चल बसे। आगे चौथा प्राणों के लाले पड़ना, मतलब जान खतरे में पड़ना। शेर ने कहा कि हमें तो अपने प्राणों के लाले पड़े हुए हैं। मनुष्यों के डर से हम खुलकर घूम फिर भी नहीं सकते। पांचवा है मगरमच्छ के आंसू बहाना, मतलब झूठा रोना। सेठ की हत्या कर नौकर पुलिस से बचने के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। आगे तीसरा है लिंग परिवर्तित करो, मतलब लिंग चेंज करो। तो मैंने यहाँ पर इसका उत्तर लिखा है बिल्ली का आ जाएगा बिल्ला, ठीक है। वैसे ही दूसरा यहाँ पर है ब्राह्मण, उसका आ जाएगा ब्राह्मणी। देवी का आ जाएगा देव। चौथा है बाग का आ जाएगा बागिन। युवक का आ जाएगा युवती। और आगे माली का आ जाएगा मालिन। चौथा है वचन बदलो, एक वचन और बहुवचन है। जैसे यहाँ पर पहला है बिल्ली, उसका आ जाएगा बिल्लियां, ठीक है। वैसे ही दूसरा है कहानी, उसका आ जाएगा कहानियां। आगे हड्डी हड्डियां। देवी देविया। धारी धारियां। नदी नदियां। पांचवां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है रायवाची शब्द लिखो। जैसे पहला यहाँ पर जो शब्द है वो है नदी, उसको हम बोल सकते हैं सरिता या तर्तिनी। दूसरा प्राणी का आ जाएगा जीव या चेतन। वन का आ जाएगा कानन या विपिन। पुष्प का आ जाएगा फूल या कुसुम। आगे धरा का आ जाएगा धरती या आप कह सकते हैं भूमि। और आखिरी है मानव का आ जाएगा मनुष्य या आप कह सकते हैं आदमी। आगे कोष्ठक में दिए शब्द का सही रूप प्रयोग कर वाक्य बनाओ। आज मानव कितना स्वार्थी बन गया है। दूसरा है मानव प्राकृतिक संपदा के विनाश पर तुला है। तीसरा बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। चौथा सांप विषैला होता है।
जादूगर का खेल देखकर बच्चे आनंदित हो रहे थे। आगे चलते हैं, यहाँ दिया गया है विचार बोध। क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। जैसे पहला प्रश्न है, बाघ किस प्रजाति का प्राणी है? उत्तर, बाघ बिल्ली प्रजाति का प्राणी है। दूसरा, पेड़ों पर कौन से जानवर उछलते कूदते हैं? तो उत्तर है, पेड़ों पर बंदर उछलते कूदते हैं। तीसरा, भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय प्राणी बाघ है। चौथा प्रश्न है, वन्य जीवों का वास्तविक आवास कहाँ है? उत्तर, वन्य जीवों का वास्तविक आवास वन है, जंगल है। पांचवा, बाघ का प्रिय आहार क्या, क्या खाना पसंद करता है? उत्तर, बाघ का प्रिय आहार मांस है। छठवां, बाघ कितने वर्ष में युवा हो जाता है? उत्तर है, बाघ 4 वर्ष की आयु में युवा हो जाता है, बढ़ जाता है। सातवां, एशिया में लगभग कितने बाघ पाए जाते हैं और कहां कहां? देखो, एशिया में लगभग 2100 बाघ पाए जाते हैं और ये बाघ भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में पाए जाते हैं। आगे आठवां, बाघ आदमखोर कब बन जाता है? उत्तर, अपनी रक्षा करते हुए, बीमारी के कारण या बुढ़ापे में आकर बाघ आदमखोर बन जाता है। आगे ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, बाघ की प्रमुख विशेषताएं लिखो। जैसे यहाँ मैंने उत्तर लिखा है, बाघ की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, बाघ बिल्ली की प्रजाति का एक जीव है। दूसरा, इसकी चमड़ी पीली और संतरी रंग की होती है, जिस पर काली धारियां पड़ी होती हैं। तीसरा, ये बहुत फुर्तीला होता है। ये जंगल का राजा कहलाता है। इसका शरीर 11 फुट तक लंबा होता है और भार 300 किलो तक का होता है। आगे, ये अकेला रहना पसंद करता है। मांस इसका प्रिय खाद्य है या पसंदीदा खाद्य है। आगे, बचपन से युवा होने तक बाघ किसके संरक्षण में रहता है और क्या करता है? उत्तर है, बचपन से युवा होने तक बाघ अपनी माँ के संरक्षण में रहता है और शिकार के दांव पेच सीखता है। तीसरा, बाघ हमारे गौरव का प्रतीक है, कैसे? तो इसका उत्तर है, बाघ हमारे गौरव का प्रतीक है, इसे हमारे देश का राष्ट्रीय पशु होने का गौरव प्राप्त है। चौथा प्रश्न, बाघ को बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो इसका उत्तर है, भारत क्या संपूर्ण विश्व में बाघों का अस्तित्व खतरे में है, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, शिकारी अपने स्वार्थ के लिए इनका शिकार कर रहे हैं, भारत सरकार ने इसके अस्तित्व को बचाने के लिए अनेक उपाय आरंभ किए हैं, बाघों का शिकार निषेध है, बंद है, इनके लिए अभयारण्य बनाए गए हैं तथा टाइगर परियोजना भी चल रही है, इस प्रकार से बाघों को बचाया जा रहा है। पांचवा प्रश्न है, मानव बाघों का शिकार क्यों करता है? तो इसका उत्तर है, मानव अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बाघों का शिकार करता है, वह शेर का शिकार करके उसकी खाल, हड्डियों और नाखून आदि को अधिक दामों में बेचकर पैसा कमाता है, इसीलिए वह उनका शिकार करता है। आगे है आत्मबोध के लिए,
चिड़ियाघर की सैर पर जाओ और अपने प्रिय जानवर के बारे में जानकारी एकत्र करो। दूसरा, वन्य जीवों के चित्रों का संग्रह करो। तीसरा, लुप्त हो रहे प्राणियों की सूची बनाओ। ठीक है, ये आप खुद जरूर आप खुद कीजिए प्रयास। आगे है रचनात्मक अभिव्यक्त। पहला प्रश्न है, आपने चिड़ियाघर की सैर की है, वहां आपने जो जो देखा अपना अनुभव 10 पंक्तियों में लिखो। तो इसका उत्तर है, पिछले वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में हमने जयपुर के चिड़ियाघर की सैर की। हमने वहां पर कई प्रकार के जीवों को देखा। जंगल का राजा बाघ को पिंजरे में आराम करते देखा। सफेद मोर हमारे लिए विशेष उत्साह का कारण था। वह पंख फैलाकर नाच रहा था। राष्ट्रीय पक्षी मोर भी एक अन्य पिंजरे में मस्त घूम रहा था। एक पिंजरे में गोरिल्ला को देखा, पानी के किनारे मगरमच्छ को आराम से सुस्ताते हुए देखा। पिंजरे में भालू भी गुर्राता हुआ मिला। सफेद भालू भी आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। रंग बिरंगा तोता देखकर हम मोहित हो उठे। आगे है बहुविकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, बच्चे क्या देखने गए थे? ऑप्शन है चिड़िया, चिड़ियाघर, पिंजरे या शेर। तो इसका उत्तर है, बच्चे चिड़ियाघर देखने गए थे। दूसरा प्रश्न है, बाघ किस प्रजाति का प्राणी है? बिल्ली, कुत्ता, शेर या बाघ। तो इसका उत्तर है, बिल्ली प्रजाति का है। तीसरा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, चीता या हाथी। इसका उत्तर है, ख, बाघ। चौथा प्रश्न है, बड़ा होने पर बाघ का वजन लगभग कितने किलो हो जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, 350, 375, 300 या 450। तो इसका उत्तर है, 300 किलो। पांचवा प्रश्न है, बाघ कितने वर्ष के में युवा हो जाता है? 4, 5, 6 या 7। तो इसका उत्तर है, 4 साल की उम्र में। छठवां है, निम्नलिखित में से प्राणी का पर्याय क्या है? जीव, जगत, भगत या जानवर। तो इसका उत्तर है, जीव। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानव का पर्याय क्या है? सुर, देव या दानव या मनुष्य। तो इसका उत्तर है, घ, मनुष्य। तो ये थी आज की क्लास। में उम्मीद करती हूँ इस पाठ का अभ्यास आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।